हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फ्रेश के। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यूपी टेट एस्टेट टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कब तक होंगी, यूपी टेट का नया नोटिफिकेशन कब तक आया, एस्टेट का कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड यहाँ पर बड़ी खबर जो है निकल करके आ रही है कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर जो संकट है वो आखिर क्या है और इसकी परीक्षा कब तक होगी। आपके बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं लगातार, जिसमें से कुछ मेजर कमेंट्स यही होते हैं, ज्यादातर कमेंट्स यही होते हैं कि जो परीक्षा है वो कब तक होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की परीक्षाएं कब तक होंगी, साथ में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्या मार्च में जाएगी, और यूपीएड का विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा, नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, टीजीटीपीजी की नई भर्तियां कब तक आएंगे, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना कि जो आपकी परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करें कि जो आपकी परीक्षाएं हैं कि टीजीटीपीजी या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब तक या इसकी परीक्षा कब तक होगी, तो देखिए इसके लिए कोई कुछ भी कह सकता है, बट आपको तैयारी करके रखना है। और अगर हम बात करें इसके लिए जो इसका क्लियर होगा वो दिसंबर के लास्ट में हो जाएगा, और अगर परीक्षा आप सभी की 12 या फिर 13 जनवरी तक, ठीक है, जनवरी तक अगर हो जाती है, उससे पहले हो जाती है तब तो ठीक है, वरना आपकी परीक्षा जो है फिर आपकी परीक्षा मार्च में जाएगी, ठीक है, क्योंकि बीच में कुंभ मेला है, उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहेगी शासन की, प्रशासन की और जितने भी अधिकारीगण हैं उन सभी की, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें कि ये परीक्षा आपके कब तक होगी, तो अगर आपकी परीक्षा जनवरी से पहले पहले हो गई, जनवरी के मतलब जनवरी के सेकंड वीक मतलब अगर 12 जनवरी से पहले पहले हो गई तब तो ठीक है, वरना आपकी परीक्षा जो है वो मार्च में जाएगी। दूसरी चीज, इसके लिए क्लेरिफिकेशन कब तक आएगा, मतलब ये क्लियर कब तक होगा कि हाँ आपकी परीक्षा जनवरी में ही होगी या फिर मार्च में जाएगी, तो दिसंबर के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। दिसंबर के लास्ट में बहुत जल्दी, मतलब इसी नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट में आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षाएं जो है कब तक होंगी। दूसरी चीज, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी होता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो यूपी टेट के नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, अभी तक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो जो पुरानी भर्तियां हैं, ठीक है, पुरानी भर्तियां हैं उनके उनके पीछे लगा हुआ है और उन्हीं में व्यस्तता की वजह से यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, ना ही उसके ऊपर कोई जवाब आ पा रहा है। तो ऐसे में बात करें कि जब तक आपका टीजीटी पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां नहीं हो जाती, इसका पेपर नहीं हो जाता है, तब तक आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। कब तक देखने को मिल सकता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन जो है आपका मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल में, ठीक है, मार्च के लास्ट में या अप्रैल में देखने को मिल सकता है। वहीं पर नई भर्ती भी उसी के बाद में देखने को मिलेगी, क्योंकि यूपी टेट जो है वो अभी भी कोई भी भर्तियां नहीं कराएगा, नया कुछ भी नहीं कराएगा जब तक वो पुराने को क्लियर नहीं कर लेता है, और उसके बाद यानी कि मार्च और अप्रैल में ही आपका टीजीटी पीजी की नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी, जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिलेगा, और नई शिक्षक भर्ती भी आपको उसी दरमियान देखने को मिलेगी, बाकी यूपी टेट का विज्ञापन भी उसी दरमियान देखने को मिलेगा, यानी कि मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक या अप्रैल में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, जितने भी टीजीटीपीजी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं उन सभी की परीक्षाओं के बारे में अगर बात करें, तो अभी ये मत मानिएगा कि हाँ आपकी जो परीक्षा है वो मार्च में जाएगी या फिर अप्रैल में जाएगी, नहीं, आपको तैयारी मान के चलना है कि दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी भर्ती कब तक आएगी, यूपी टेट कब तक होगा, सारी चीज़ें हैं, और शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी कुछ भी नया नहीं कराएगा जब तक वो पुराना क्लियर नहीं कर देता है, तो वो उसी के पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि अभी नए पेपर वगैरह बनना है और उसके बाद सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। इस वीडियो को शेयर अपने दोस्त मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।